उपरांत हमारी टीम पहुंची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस, जहां हमने पाया कि तमाम फरियादियां शिक्षाकर्ता इधर उधर घूमते नजर आए, जो कि लंबे समय से विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि BSA साहब बैठते नहीं, वहीं स्टाफ कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वापस भेज देता है। आखिर क्या है माजरा हमने की पड़ताल? हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व देवाशीष शर्मा ने बात की वहाँ मौजूद फरियादियों व शिकायतकर्ताओं से। क्या कहना है उनको देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। धीरेन्द्र सिंह है सर। कहाँ रहते हैं आप? लभुआ रहते हैं, मंगू लभुआ ब्लॉक सुखाबाद, तहसील सुखाबाद, थाना सुखाबाद। क्या मामला है आखिर, क्यों परेशान है आप? कि मेरे बेटे की पत्नी साक्षर भारत मिशन में 1 जुलाई 2013 से साक्षर भारत मिशन प्रेरक के रूप में मोहम्मदपुर लभुआ प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर लभुआ नंबर 1 पर कार्यरत थी, और जो 31 मार्च 2018 को सेवा रोक दी गई और 57 महीने उसने कार्य किया है, उसमें 27 महीने का मानदेय 2000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये मिल चुका है, 30 महीने का मानदेय रुका हुआ है। कई बार शिकायत की है, पोर्टल पर भी डाला है मुख्यमंत्री जी के पे, यहाँ भी आए हैं, तहसील दिवस में भी दिया है, अभी तक कोई इसकी जो है निस्तारण नहीं हुआ है। रुका क्यों? अब पता नहीं, ये जो लोग बताते हैं कुछ नहीं, नीचे से ऊपर। आप कितने दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हैं? ग्राम सेवक प्रधान अध्यापक सेवा क्या समस्या? क्या समस्या? कितने दिनों से परेशान है आप, जहाँ चक्कर लगा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं यहाँ साहब? 9 महीने चल रहा है, मैं 18 दिसंबर से भाग रहा हूँ, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मुझे बार बार दौड़ाते हैं, ये कहते हैं ये लाओ वो लाओ, और मेरा काम मेरा पैसा जो काला। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।